किसी चीज़ बच्चों, आज अपन जो है बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ले रहे हैं, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स का आता है, 3 का आता है, 4 का आता है, 5 का आता है, अलग अलग बोर्ड में सब में अलग अलग आते हैं, लेकिन सवाल वही हैं, बस केवल मार्क्स का अंतर है बच्चों। तो आज जो है मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है 2024 या आगे आने वाले बोर्ड के अकॉर्डिंग में NDA के अंदर, जी मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर यही क्वेश्चन आता है बच्चों। तो आज बोर्ड के हिसाब से भी और आगे आने वाले कंपटीशन के हिसाब से भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों। आज इनके आप प्रैक्टिस करें, पहले आप अपनी कॉपी में लिखें, फिर इनके आंसर लिखें। आपको मैक्सिमम 60 शब्दों के अंदर इसका आंसर लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 शब्दों में, इससे ज़्यादा आपको आंसर नहीं लिखना है। सभी क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट करें, 100% आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे। आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्या है, 1800% मार्क्स एंड सिलेक्शन इन 12th बोर्ड एंड जी मेंस एंड जी ऑल कंपटीशंस, साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क्स 2 और 3, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों ये। तो देखिए बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे अपने बोर्ड के अंदर। पहला क्वेश्चन है बच्चों, शो देट द रिलेशन, एक रिलेशन है जो शो करना है आपको, क्या इन द सेट जेड, सेट जेड, जेड का मतलब इंटीजर नंबर, सेट जेड ऑफ इंटीजर गिवन बाय आर बराबर ए बी, ए का बी में रिलेशन है, कैसे, सच देट 6 डिवाइड ए माइनस बी, ए माइनस बी में किसका डिवाइड हो रहा है बच्चों, 6 का। तो इन इक्विवेलेंस रिलेशन आपको ये प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये होता है ना, तो अपने को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये प्रूव करना अपने को बच्चों। लिखने का तरीका आपको बता रखा है पहले भी, फिर आप लिखिए, फिर भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, और ज्यादा से ज्यादा इनको लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि अदर बच्चों को भी मिलता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, बच्चों ये भी 2 या 3 मार्क्स के अंदर आता है, यही आपके पास ऑप्शन के अंदर आते हैं बच्चों, लेकिन अब थ्योरेटिकल कैसे लिखना है, तो आपको क्या करना है इसके अंदर, x बराबर a साइन थीटा पुट करो या x बराबर a कोस थीटा पुट करके इसको सॉल्व करना है बच्चों। x की जगह a साइन थीटा रख दो, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा बच्चों। यही सवाल डेरिवेटिव में आता है, यही सवाल इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास आता है बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन ये जो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, a बराबर 8 4 3 0 -2 6, ठीक है, b बराबर 2 4 -5 -2 2 3 है, तो आपको क्या करना, फाइंड मैट्रिक्स सी, एक मैट्रिक्स सी ज्ञात करनी आपको, कैसे, जबकि 2a + 3c = 6b है बच्चों, तो कैसे करोगे आप इसको, 3c को ऐसे रहने दो, 6b - 2a करो बच्चों। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले c बराबर सपोज करते हैं, नहीं, आपको टाइम बचाना है और ऐसा करने पर आपको बोर्ड पूरा नंबर देगा बच्चों। तो आपको क्या करना है, इसको इधर ट्रांसफर करो, फिर इसकी वैल्यू यहां रख दो, तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ए बराबर 3 2 5 4 एंड बी बराबर 1 - 1 2 3, देन वेरीफाई दैट ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। आपको पता है इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, ए इनवर्स बराबर ए डिजॉइंट से अपॉन डिटरमिनेंट से, तो बच्चों आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, fx बराबर kx2 इफ, यदि x 2 से लेस देन है और x 2 से ग्रेटर देन है, इज कंटीन्यूअस, ये क्या है, कंटीन्यूअस है, सांतत्य है, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी, किस पे कंटीन्यूअस, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर कंटीन्यूअस है, तो आप क्या करिए बच्चों, f2 = f2 - 0 या +0 ले लो या -0 ले लो, दो ही कंडीशन लेकर आप इसको सॉल्व करो, k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, 2 नंबर का, y बराबर √sec inverse x + sec inverse x + ∞ तक है, बताओ इसका dy / dx क्या होगा, तो आपको क्या करना है बच्चों इसमें, y बराबर √sec inverse x + y, क्या करो, sec inverse x + y, दोनों साइडों का स्क्वायर कर दो और डेरिवेटिव कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, what is the maximum value of the function fx = sin x + cos x, बताइए sin x plus cos x का उच्चतम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये अपने को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, dx / 1 + tan x, ये ऐसे 4 क्वेश्चन है बच्चों, 1 + tan x, 1 - tan x, 1 + cot x और 1 - cot x, इन चारों को ही क्या करना, sin / cos में चेंज करना और फिर इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों
ये सवाल भी आपके 2 या 3 मार्क्स में आते हैं, यही जी मेंस में, यही एनडी के अंदर ऑप्शन के अंदर बन के आते हैं, तो दोनों ही साइडों में ये सवाल आपको मिलता है। नेक्स्ट एक्स आई इनवर्स एस टी एच, आपको पता डबल फंक्शन है, अकॉर्डिंग टू आई लेट, इसके अकॉर्डिंग करेंगे आप इसको, आई ए आई एल ए टी ई, आई लेट का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो देखो पहले आया और बाद में आया, इस तरह से आपको इसकी करना है, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है इवलेट, इवलेट का मतलब इसकी वैल्यू याद करनी है, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स, पता है अगर इसकी पावर क्यूब होती, ओड पावर होती, तो इसका आंसर 0 आता है, क्यों आता, क्योंकि ओड फंक्शन है। अब यहां पर इवन है, इसलिए आपको जो है इसको कॉस 2x के टर्म्स में चेंज करके इसको सॉल्व करना है, इस तरह से 2 नंबर 3 नंबर के अंदर बन के आता है। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लाइन 2x + y = 4 एक्स एक्स एंड कोऑर्डिनेट x = 0 से x = 3, आपको पता है ये AOI का सवाल है, चैप्टर नंबर 8 का है, इसका ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, पहले ग्राफ ड्रॉ करो, इससे लिमिट आएगी और लिमिट से आपको ये याद करना है, तो कैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, 4 को नीचे ले जाओ, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पता आपको क्या बनेगा, 4 नीचे तो 2 तो ये आ गया 2 पे और ये 4 पे चला गया, ये लाइन बनेगी, तो यहां से ये 2 अलग अलग पार्ट हो गए, ये एरिया और ये एरिया, अपने को फाइंड आउट करना है इसका। 4 एनी वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्रूव दैट ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के का होल स्क्वायर बराबर 2a² आप देखो यही सवाल जी मेंस में कैसे पूछा गया बच्चों, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन में दे दिया, ये आंसर आपके पास आएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ए वेक्टर बराबर सपोज कर लो a1i या ai प्लस bj प्लस सी के कुछ भी ले लो, कोई भी एक वेक्टर सपोज कर लीजिए और इसके अंदर सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर बच्चों। नेक्स्ट फाइंड के इफ द लाइन देख के बच्चों दो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो इसको, दोनों परपेंडिकुलर है, आपको पता है दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, a1 a2 b1 b2 c1 c2, लेकिन यहाँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा, तो पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले, कहीं बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो अपने को ये गलती नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, पहले क्वेश्चन को देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है, यहाँ नहीं देखो जेड माइनस माइनस 3 आना चाहिए, उल्टा दे रखा, तो पहले आप माइनस का कॉमन लो, फिर इसके बाद परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाओ, तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, ए डाइस इज टॉस्ड 3 times, एक डाई को 3 बार टॉस किया जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, उसमें कम से कम एक पर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बच्चों। इसमें थ्योरम लगेगी आपके पास, कौन सी थ्योरम लगेगी आपकी बुक के अंदर, 13.2 नंबर चैप्टर है, 13.2 के अंदर आपके पास मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगेगी, इंडिपेंडेंट और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का सवाल है, 1 - PA bar PA bar PA bar ये आपको करना है बच्चों। तो इस तरह से ये 14 सवाल जो है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के बच्चों, तो आप इन सवालों को अपनी कॉपी में लिखो, ये न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 और 3 मार्क्स के रहेंगे, इसलिए बच्चों अपनी कॉपी में लिखकर इसको सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भेजें, दोस्तों को भेजें, पहले का मतलब अपने परिवार में जो भी आपके रिलेशन में पढ़ते हैं उनको भेजिए, 100% बोर्ड के अंदर मार्क्स आएंगे और साथ ही साथ आप कंपटीशन में भी टॉप बनेंगे, तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।